विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर अंचल की मुट्ठी नाट्य संस्था द्वारा दुर्ग स्थित कमला मोटर्स में शताब्दी का एक दिन नामक नाट्य मंचन किया गया। इस आयोजन में कमला मोटर्स की संचालक कैलाश बरवेचा व कला साहित्य अकादमी का भरपूर सहयोग रहा। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर अंचल की मुट्ठी नाट्य संस्था और साथ ही कमला मोटर्स के संयुक्त तत्वावधान में नाटक शताब्दी का एक दिन का मंचन किया गया। कमला मोटर्स जो कि गंजपारा में संचालित है, वहां इस नाटक का मंचन किया गया। इस आयोजन में कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा साथ ही कला साहित्य अकादमी का भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन कला साहित्य अकादमी से मणिमय मुखर्जी ने किया। इस मौके पर लाइन चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल का सम्मान मंजू बरमेचा ने किया। कमला मोटर्स को इस सुखद मुकाम तक पहुँचाने वाले मनीष सहारन का सम्मान भी शेखर ठाकुर के द्वारा किया गया। कला साहित्य अकादमी के जयप्रकाश नायर का सम्मान दिलीप बरमेचा के द्वारा किया गया और बबलू विश्वास का सम्मान विवेक ठाकुर ने किया। विभाष उपाध्याय के द्वारा विश्व रंगमंच दिवस पर जनता के लिए रंगमंच के संदेश का पाठन भी किया गया। तत्पश्चात मुट्ठी नाट्य संस्था के द्वारा नाटक शताब्दी का एक दिन का मंचन किया गया। ये मंचन काफी सफल रहा। लोगों ने उत्साहपूर्वक इस मंचन का लाभ उठाया। यूं तो शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, लेकिन इस शताब्दी के पास सिर्फ एक दिन है। अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि कोई ये तय कर दे कि किसकी सांस कब थमेगी, लेकिन शताब्दी के हेल्थ चेकअप के बाद उसके बॉडी ऑर्गन से ये थोड़ी सी खुशी, ये मुट्ठी भर हंसी, ये सुविधाओं की सुकून भरी चहकदमी, ये दुआओं का असर जो पूरी हो जाती है मां। आम आदमी के पक्ष को, उसके हित को, उसके बुनियादी अधिकारों को और इंसानियत को जिंदा बचाए रखने की अपील करता ये नाटक नजर आया। नाटक शताब्दी का एक दिन दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा। तमाम दर्शकों ने नाटक शताब्दी का एक दिन की भरपूर प्रशंसा दिल से की। मुट्ठी के अध्यक्ष और नाटक शताब्दी का एक दिन के मुख्य अभिनेता गुलाम हैदर मंसूरी ने कहा कि भिलाई का रंग कर्म नॉन कमर्शियल है, पर स्वयं नाटक से कई कमर्शियल पक्ष जुड़े हुए हैं। नॉन कमर्शियल होकर किसी कमर्शियल पक्ष को वहन करना बहुत संघर्षों भरा होता है, पर ऐसे संघर्ष को आसान किया है कैलाश बरमेचा, कमला मोटर्स और कला साहित्य अकादमी ने। इसके साथ ही कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा ने भी प्रतिक्रिया दी। संस्था मुट्ठी को सहयोग करने का मेरा तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का जो सोच है खाली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहना चाहिए। और ये नाट्य संस्था है, ये कहाँ से दौलत कमाएगी? व्यापारियों को पैसा कमाते हैं जो, उनको सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। इसी भावनाओं के तहत मैं सहयोग कर रहा हूँ और मुझे भी लेखनी में एक बहुत अच्छी रुचि है और वो रुचि को भी कामयाब करने के लिए कर रहा हूँ और मैं हमेशा सहयोग करूँगा और करता रहता हूँ। मन में मैंने पिछले बार इनका नाटक देखा भी सेक्टर 1 सांस्कृतिक भवन में, मुझे अच्छा लगा और मैंने बोला कि जब जो भी मेरा सहयोग रहेगा मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। ताकि जो नक्सली हैं उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का उनका मूलभूत अधिकार है, जिसको कि वो खो रहे हैं। फिर नक्सली बोलने से नहीं होगा, अगर नक्सली समर्पण करके अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको मुख्य धारा से जोड़ते हैं और उसको अपनाते हैं कि नहीं अपनाते? अगर नहीं अपनाते तो वो कहाँ से आएगा हमारे पास? मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये नाटक के द्वारा हम प्रेरित कर रहे हैं सबको कि उनको स्वीकार करो। सर, मेरा नाम सिराज अहमद है और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, और ये जो नाटक में गुलाम सर के साथ मैं जुड़ा हूँ इन म्यूज़िक के लिए, और मैं इसी मंच से एक संदेश देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के आवाम को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि ऐसे आर्टिस्ट जैसे गुलाम हैदर मंसूरी है जो कि 20 साल अपने दिए हैं छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनको सपोर्ट करें। और जो आज उनको जो स्पॉन्सर किए हैं जैसे कि कमला मोटर्स, तो कमला मोटर्स के जो स्पॉन्सर है उन वैसे लोग आगे आए
और इसको डोनेशन की तरह ना सोचें, इसको सहयोग की तरह सोचें और यहाँ की इंडस्ट्री को और बड़ा करें। जैसे महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है और कोलकाता की इंडस्ट्री है और हमसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म को हम और अपलिफ्ट करें और लोग हमारा सहयोग करें, हम ये चाहते हैं। एक मेरा रोल है वो एक लड़की शताब्दी जो जिसके माँ बाप इस मुठभेड़ में जो नक्सल और गवर्नमेंट के बीच में होती है उसके बीच में उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है और उससे वो सारी चीज़ें झेल के जब वो आगे बढ़ती है लोगों की हेल्प करने जाती है और यहाँ पे ये होता है कि वो किसी से प्यार करती है बट वो उसका इजहार नहीं कर पाती है क्योंकि वो इस सिचुएशन में फंस जाती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो देखती रहती है, लोगों की हेल्प करती है, तो फिर उसको लास्ट में पता चलता है कि उसका प्रेमी उस मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट उसके पास फिर टाइम नहीं बचता, उसके वो मरने वाली होती है। तो इससे एक सोशल मैसेज जाता है लोगों को कि हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लोग सोशल वर्क का काम करते हैं, जितने भी बेसहारे लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं जिनके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको खाना देते हैं। तो ये इस टाइप का रोल है इस नाटक का। ये जैसा कि आपको जानकारी है कि ये नक्सल और पुलिस मुठभेड़ में जो अनाथ हो जाते हैं उनकी समस्या को लेकर है। कला के माध्यम से अगर कोई समस्या या अगर कोई बड़ी बात जब हम कहते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचता है, क्योंकि कला वो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसके ज़रिए आप अपनी बात को सहजता से कह पाते हैं और इस माध्यम से जो है वो बात जो है वो लोगों के दिलों में उतरती है और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर मंचों को भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों को सामने लाते रहना चाहिए ताकि जो है वो हम पब्लिक से जुड़ सकें और पब्लिक जो है वो हमसे जुड़े और हम जो बात कहना चाहते हैं वो उसका जो फ़ायदा है वो आम जनता को मिले। तो ये कला एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए से बात सीधा दिलों तक पहुंचती है और मैं भी इसमें छोटे सा एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ और हैदर अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है और आगे भी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो मैं इसको करते हैं। मैं विश्व रंगमंच दिवस की सभी रंगकर्मियों को अथाह दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और मुझे खुशी है और फख्र भी है कि मैं भी एक छोटा सा रंगकर्मी हूं। जब ये नाटक के लिए मुझे ऑफ़र मिला और हैदर साहब ने मुझे कहानी सुनाई तो बिल्कुल ये इतनी सही कहानी है और इतना अच्छा मैसेज इस नाटक में दिया गया है, क्योंकि पुलिस और नक्सल आपस में टकराते हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है आम आदमी, मारा जाता है आम आदमी। और जैसा कि अभी हमारे राइटर डायरेक्टर हैदर साहब ने भी कहा है कि वो हमारा पैसा है, हम टैक्स की सूरत में जो सरकार को पैसा देते हैं वही उनके लिए इस्तेमाल होता है, तो एक तरीके से ये एक आम आदमी के पैसे की भी बर्बादी है। और इसमें जो एक यानी नक्सल प्रभावित बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो शताब्दी का कैरेक्टर है वो देखने के लायक कैरेक्टर है। मैं इस कहानी से इस और अपने डॉक्टर के कैरेक्टर से, क्योंकि स्टार्ट जब होगा ये नाटक तो मैं ही उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ एज ए डॉक्टर, पहले उसको देखता हूँ और फिर जो ऑडियंस है उनको बताता हूँ कि ये क्या स्टोरी है। तो मैं अगर पूरा खोल के बता दूंगा तो आपको नाटक देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि नाटक देखिए। मैं डॉक्टर रौनक जमाल उर्दू का साहित्यकार हूं और मेरी 25 पुस्तकें आ चुकी है और कहीं उर्दू के साहित्य अवार्ड वगैरह मुझे मिले हैं और अभी पिछले दिनों अमेरिका की हैती यूनिवर्सिटी ने मेरे साहित्यकारी को देखते हुए डॉक्टर की डिग्री मुझे दी है अमरावती यूनिवर्सिटी में 12 दिसंबर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं मणिमय मुखर्जी कला साहित्य अकादमी जो भिलाई और छत्तीसगढ़ में बनी है, ये सारे कलाकारों को जोड़कर एक संस्था बनी है और उसके तहत हम साल भर से काम कर रहे हैं और आज हम विश्व रंगमंच दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, रंगमंच एक ऐसी पुरानी विधा है जो वर्षों सदियों से चली आ रही है और जब तक मनुष्य में दूसरे मनुष्य से संवाद करने का एक मन में इच्छा रहेगी तब तक रंगकर्म जिंदा रहेगा और हर वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस बार भी ये पूरे
विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है। और जितने रंगकर्मी हैं, रंगकर्मियों का एक सबसे बेहतरीन कार्य ये है कि वो एक बेहतरीन सुंदर दुनिया देना चाहते हैं सबको, सबके लिए एक बेहतरीन दुनिया का सपना सजोए। ये रंगकर्मी अपने नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, प्यार, भाईचारा, प्रेम, विश्वास का यही संदेश हम लोग आज भी यहाँ देने आए। आज विश्व रंगमंच दिवस है, आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। उसके उपलक्ष्य में हम मुट्ठी नाट्य संस्था एक नाटक पेश कर रही है शताब्दी का एक दिन, जिसमें कमला मोटर्स और कला साहित्य अकादमी जो भिलाई की एक बहुत बड़ी नाटक और जितने भी कला हैं उससे संबंधित उसकी एक बहुत बड़ी संस्था है। और ये कला साहित्य जो है बहुत सारा काम कला के क्षेत्र में कर रही है, पिछले एक साल से लगातार एक्टिव है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम नाटक कर रहे हैं शताब्दी का एक दिन। शताब्दी का एक दिन ऐसे दो बच्चों की प्रेम कहानी है जिसके ज़रिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी युद्ध हो, चाहे वो बस्तर में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे फलस्तीन में हो, उन दो विचारधाराओं के विरुद्ध जो विचारधाराएं आपस में लड़ रही हैं, उन विचारधाराओं से नुकसान जनरली आम आदमी का ही हो रहा है, मरता आम आदमी ही है ना, आका किसी के नहीं मरते हैं, चाहे आका उनके हो चाहे आका इनके हो, मरता आम आदमी ही। अगर हम ये सोचते हैं कि हम भिलाई शहर में रहते हैं, नक्सलिज्म का हम पे कोई असर नहीं होता, तो ये बहुत गलत धारणा है। नक्सली उन्मूलन के लिए हर साल जो पैसे आते हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से, वो मेरे और आपके पैसे हैं। वो पैसे कोई भी पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देती है। और आपके देश में अगर गृह युद्ध मचा हुआ है तो उसका असर तो आपको पड़ेगा। आप उस गृह युद्ध वाले एरिया में रहो चाहे मत रहो, आपके गृह युद्ध से आपकी देश की इकोनॉमी भी जो है वो वीक होती है। और ऐसी विचारधाराओं का सबसे ज़्यादा मुझे कुंठा और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि जिनका इन युद्धों से कोई लेना देना नहीं है वो ही मारे जा रहे हैं। तो एक लव स्टोरी के ज़रिए, एक प्रेम कहानी के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर उन युद्धों को हम रोक नहीं सकते, रोकना तो पड़ेगा, आगे चल के वो युद्ध रुकेंगे, अगर रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उस जंग में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अनाथ हो रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको संभालें और उनको ऐसा बनाएं कि हम वो किसी भी देश के हों, उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं, जिससे एक अच्छे नागरिक बन करके वो देश को संभालें और ये जो युद्ध जिसके कारण वो अनाथ हुए हैं इनको जड़ से ख़त्म करने का ये ज़रिया बने। यही हमारा नाटक शताब्दी का एक दिन कहता है। अपना परिचय जी, मेरा नाम गुलाम हैदर मंसूरी है, मैं आधारित तौर पर रंगमंच कलाकार हूँ। मैं लगभग 2002 से रंगमंच कर रहा हूँ और पिछले 15-20 सालों से मैं फिल्म मेकर भी हूँ। मैंने 2 छत्तीसगढ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, तीसरी आने वाली है, एक हमारी हिंदी फिल्म आने वाली है मानव मार्केट, वो भी मेडिकल इश्यूज पे बेस्ड है, जो मानव मार्केट आने वाली है। गुलाम हैदर मंसूरी ने इस नाटक की कामयाबी का सारा श्रेय अपने तमाम दर्शकों, कैलाश बरमेचा जो कि कमला मोटर्स के संचालक हैं, उनको, कला साहित्य अकादमी को और अपनी टीम को दिया। इसके अलावा श्वेता जैन, चंद्रा बरमेचा, कमला मोटर्स से सेल्स प्रमोटर सत्य चंद्राकर, शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, हेड मैकेनिक किशोर निषाद, सेल्स मैनेजर चौधरी बरमेचा, टेक्सटाइल से प्रभारी संजय चंद्राकर, कमला फाइनेंस से प्रभारी पन्नालाल जैन, बरमेचा एलिवेटर से प्रभारी तिलोक चंद यादव तथा कला साहित्य अकादमी से अध्यक्ष वही मुमताज, शरद कोकास, हरजिंदर सिंह मोटिया आदि उपस्थित रहे। नाटक शताब्दी का एक दिन में भूमिका निभाते नजर आए प्रगति तिवारी, मानस गुलाम हैदर मंसूरी, रौनक जमाल, बहादुर अली, शाहना परवीन, कश्मीरी युवक, मनीष तिवारी, सिराज, देवेंद्र मोयल, सिराज और नंदिनी भट्टाचार्य, साथ ही हिमांशु और रोशन का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर सभी ने उत्साहपूर्वक इस नाटक शताब्दी का एक दिन का लुत्फ उठाया। ACN News के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।